नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन जागलो और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, और ये प्लान एक इतना बेहतरीन होने वाला है, इसका साइज भी बहुत ही कम रखा है, 14x40 फिट। 14x40 फिट में इस पूरे मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। इस मॉडल को मैंने मॉडर्न हाउस की तरीके से डिटेल पूरा क्रिएट किया है। फ्रंट एलिवेशन जो आपका है वो भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो 14x40 के प्लान में आपको बेहतरीन सी सारी डिज़ाइन मिलने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपके पास भी कम जगह है और आप बेहतरीन सा प्लान चाहते हैं जो मॉडर्न हाउस डिज़ाइन चल रहा है, अगर आप सिटी में चाहते हैं तो ये मुख्यतः सिटी के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ग्रामीण में ये सारे डिज़ाइन नहीं चलते हैं। तो अगर आप शहर में रहते हैं तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका 14 या 15 फीट फ्रंट एलिवेशन अगर है, फ्रंट जगह है, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा A to Z डिस्कस करेंगे। तो बने सुनो लगातार, मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, इस चैनल को आप सबको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, साथ साथ नए नए अपडेट भी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो इस मॉडल का पूरा डिटेल जानने के लिए ले चलूंगा मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, जिस प्लान की बात कर रहे हैं तो वो ये पूरा प्लान होने वाला है, और इसका साइज है 14x40 फीट। ये अगर आप शहर में बनवाते हैं तो आपके लिए बेहतरीन प्लान हो सकता है। 14x40 का बेहतरीन सा प्लान फ्रंट एलिवेशन की अगर बात करें तो आप देख रहे हो कितना खूबसूरत प्लान आपका होने वाला है। इसका जो फ्रंट एलिवेशन है उसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है। ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर, यहाँ पर 3 फ्लोर आपके बने हुए और फ्रंट एलिवेशन आपका ऐसा, इसमें मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, लाइट्स वगैरह भी लगा रखी है, आप देख रहे होंगे। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मॉडल को अगर आप चाहते हैं बनवाना तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसे हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। आप जैसे मैं मैक्सिमम जूम करूंगा तो आपको इसका डिजाइन पूरा दिख जाएगा, ग्रिल इसकी कैसी बनी हुई, पैनल कौन सा लगा हुआ है, और इसका जो ऊपर का टॉप लेवल का डिजाइन वो कैसा बना। देखिए, टॉप डिजाइन आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का आपका ये मॉडल बनकर रेडी होगा। आज हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है। आप इस एल टाइप का जो आपको चीज दिख रही है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसका मेन डोर आपका ये, जहां से एंट्री करेंगे, और एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए। जैसा मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप डायरेक्ट एक हॉल में आ जाते हैं। ये आप इसे एज अ गेस्ट रूम समझ सकते हैं या एक हॉल समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने डोर वगैरह नहीं लगाए, आप एक साइड में डोर लगाइएगा, और आप जैसे पीछे जाएंगे तो ये आपको पूरा डाइनिंग हॉल बड़ा सा देखने को मिल जाता है। आपको इस साइड आपको ओपन किचन यहाँ पर बनानी होगी। आपको ये मैंने लेट एंड बाथ दिया। इधर आपकी स्टेयर्स है, टर्न होकर आप ऊपर जाएंगे। सबसे पीछे भी आपको एक बड़ा सा बेडरूम देखने को मिलेगा। किचन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ओपन किचन बनानी होगी। मैंने इसलिए वजह से नहीं बनाई है क्योंकि आपकी जगह और ज्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल मिलता है, लेट बाथ, स्टेयर, और आप ओपन किचन आप यहाँ पर बना सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर की बात करें, सॉरी ग्राउंड फ्लोर का फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ऐसा टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर। ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। जैसे आप ऊपर आएंगे, पूरा अंदर सिमिलर मैंने रखा, कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है, सेम टू सेम है। सिर्फ फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपका 2.5 फीट का आगे छज्जा निकाल दिया है, और ये पूरा बेहतरीन सा लुक दे दिया है, बेहतरीन से डिजाइन विद पैनल आपका दिया है। ये पैनल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपका ग्रिल वगैरह बना हुआ है, और ये डिजाइनिंग के पर्पज से कुछ ये मैंने क्रिएट कर रखी है। ये आपकी बालकनी है जहाँ पर मैंने कुछ प्लांट वगैरह लगा रखे हैं, आपने देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट और से ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन था। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर आप जैसे ऊपर पहुंचते हैं तो ये पूरा डिजाइन देखने को मिलेगा। ये इसकी छत बनी है जो ओवरऑल इसको कंप्लीट बंद कर देता है, और ये यहाँ पर एक डोर दिया है, इससे आप ऊपर आ पाएंगे। ये डिजाइन देखिएगा कितना खूबसूरत है, मॉडर्न डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ मैंने प्लांटेशन वगैरह कर रखे हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका कुछ सिलेंडर टाइप की चीज लगी हुई है, सिर्फ डिजाइनिंग के पर्पज से है। आप ये सारी डिजाइनिंग हालांकि बाद में होती है मकान के स्ट्रक्चर खड़े होने के बाद, और ये भी आपका डिजाइनिंग के पर्पज से छत बनी हुई है। ओवरऑल ये 14x40 फीट का मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें तो अगर आप इसे बनवाना चाहते हैं तो लगभग 550 स्क्वायर फीट एरिया है। तो अगर आप ऐसा ही डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपको 7 से 8 लाख रुपए लगने वाले हैं। ओवरऑल मैं मकान की बात कर रहा हूं, और इसमें आपका स्ट्रक्चर प्लस डेकोरेशन भी हो जाएगा, और ये 2 फ्लोर है तो आपका लगभग आपका 12 से 13 लाख रुपए इसमें लगने वाला है। तो ये पूरा ओवरऑल डिजाइन था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल से अगर अभी तक आप जुड़े नहीं तो जरूर जुड़ जाएं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, आप किसी भी प्रकार का अगर
पेड आप घर बनवाना चाहते हैं, पेड प्लान लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें वहाँ पर कांटेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। विशेष ध्यान ये रखना है कि वहाँ पर 50% पेमेंट आपको एडवांस देना होता है, 50% बाद में, बट पेमेंट देने से पहले जस्ट आप हमसे एक बार बात जरूर करिएगा। मैं आपको डायरेक्ट कॉल करूँगा जब भी आप हमें चैट करेंगे, इसके बाद तभी आप पेमेंट करें, अन्यथा आप अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।